enter Bollywood. Want to catch all the excitement of Bollywood? Just log on to zoomtv.in. अब बारी है पोस्टमार्टम की. आज हम पोस्टमार्टम करेंगे रानी मुखर्जी और संजय लीला भंसाली के फॉलआउट की खबर का. क्या वाकई रानी मुखर्जी को उनके करियर की सबसे सक्सेसफुल फिल्म देने वाली डायरेक्टर भंसाली ने तोड़ दिया है रानी से रिश्ता? आइए जानते हैं. क्या रानी मुखर्जी और डायरेक्टर संजय लीला भंसाली का रिलेशनशिप हो गया है खत्म? क्या अपने करियर की बेस्ट ऑफ द बेस्ट फिल्म देने वाले डायरेक्टर को रानी दे सकती है धोखा? रानी से मिले धोखे से क्या डिसअपॉइंटेड है संजय लीला भंसाली? ये सवाल खड़े कर दिए हैं मुंबई के एक न्यूज़पेपर में छपे एक आर्टिकल ने. इस आर्टिकल में सोर्सेस के जरिए बताया गया है कि संजय लीला भंसाली रानी मुखर्जी से हैं बेहद खफा, क्योंकि यशराज फिल्म से पहले संजय की सिस्टर बेला सैगल की डायरेक्टोरियल डेब्यू हड़प्पा के लिए भी रानी ही थी फर्स्ट चॉइस. साथ ही बात चल रही थी शाहिद को रानी के अपोजिट कास्ट करने की, लेकिन रानी ने साइन कर ली यशराज की दिल बोले हड़प्पा, वो भी शाहिद कपूर के ही साथ. इसके बाद जब संजय की फैमिली को पता चला कि यशराज की फिल्म का टाइटल भी हड़प्पा ही है, तो संजय की हैरानी का ठिकाना ही नहीं था. अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, संजय की सिस्टर बेला सैगल को तो यही लग रहा है कि यशराज को ये टाइटल रानी ने ही सजेस्ट किया है, क्योंकि रानी भंसाली की फैमिली में एक मेंबर की तरह रही हैं और वो बेला की हड़प्पा के लिए डिस्कशन में शामिल रही हैं. आर्टिकल के मुताबिक संजय ने कंफर्मेशन के लिए रानी से बात भी की, पर उन्हें इग्नोरेंस के सिवाय कुछ नहीं मिला. लेकिन जब इस मामले पर जूम ने रानी से बात की तो रानी ने तो कुछ और ही कहानी बताई. रानी मुखर्जी ने जूम से कहा, I have no issues whatsoever with Sanjay and Bela. I love them too much to let one article quoting anonymous sources spoil our relationship. If at all, I'll speak to Sanjay Leela Bhansali and Bela directly and not use the press to say things. Bela did approach me, but for Charulata with Shahid and another heroine. But she later decided to make a quicker film with Adnan Sami, so it was cool. I don't know where these stories are coming from and I don't care. I love SLB and Bela too much, Mr. and Miss Anonymous. आखिर इस बात को कैसे भुलाया जा सकता है कि रानी के करियर की सबसे ज्यादा अक्लेम फिल्म ब्लैक ही थी, जिसे डायरेक्ट किया था संजय लीला भंसाली ने ही. फिर रानी के साथ इतना क्लोज एसोसिएशन रहा है संजय का कि संजय ने सावैया में भी रानी के लिए रखा एक इम्पोर्टेंट रोल. ऐसे में रानी और संजय के बीच इतने बड़े मनमुटाव की खबरें आना तो रानी के दावे को ही मजबूत करता है कि उन्हें सबोटाज करने की कोशिश हो रही है. हाल ही में दिल बोले हड़प्पा की रिलीज के वक्त भी एक आर्टिकल में रानी के खिलाफ हुई थी काफी नेगेटिव पब्लिसिटी. एक बार फिर रानी पर छपे इस नेगेटिव आर्टिकल से तो यही लग रहा है कि रानी को अब अपनी चुप्पी तोड़कर प्रेस के सामने आ जाना चाहिए, क्योंकि इस बार चुप रहने में भलाई नहीं है रानी. ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई.